हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ एक शेल का टेस्ट, जो कि जेंडर प्रेडिक्शन के लिए किया जाता है। और ये टेस्ट मैं जस्ट फॉर फन कर रही हूँ। मुझे बेबी बॉय है, फर्स्ट बेबी, और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा 7 मंथ्स चल रहा है और मैं बिल्कुल डिफरेंसेस नहीं करती हूँ गर्ल और बॉय के लिए। हालांकि मुझे भी बेबी गर्ल चाहिए, बिकॉज बेबी बॉय है तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना। मतलब इसमें भी कमेंट आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि गर्ल या बॉय या नॉर्मल, तो ये सब बातों को छोड़ते हैं। और यहाँ पे ये एग शेल से मैं टेस्ट करूँगी। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में बिल्कुल अलाउ नहीं है जेंडर टेस्ट करना। और सेकेंडली मैं ये बोलूँगी कि ये टेस्ट ऐसा नहीं कि एक्यूरेट होगा, 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब अल्ट्रासाउंड भी की जाती है तो उसमें भी 100% वो नहीं बोलते, वो 99% समथिंग बोलते हैं। तो 100% तो तभी पता चलता है ना जब बेबी हो जाता है। तो बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ये टेस्ट मैं जस्ट फॉर फन मज़े के लिए कर रही हूँ और एंटरटेनमेंट के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक शेल मैंने लिया है, इसको फोड़ के इसमें अब ये यूरिन जो है इसमें मुझे डालना है एक शेल। ये एक शेल डाल दिया है, इसको इसको डुबो लेना है यूरिन में। और अब जैसे रात के टाइम पे मैंने ये किया है तो इसका सुबह तक हमको वेट करना होगा। अगर इस पर ब्लैक लेयर आती है एक के यहाँ पे शेल के अंदर या चारों तरफ कहीं पे भी, तो बेबी बॉय होता है। और ये एज इट इज़ ऐसा कैसे ही रहेगा विदाउट एनी रिएक्शन, तो बेबी गर्ल होती है। सो लेट्स वेट फॉर मॉर्निंग, एंड तब तक के लिए बस मैं यहाँ पे रख देती हूँ इसको। मॉर्निंग में मैं ये चेक कर रही हूँ तो इसमें आप देख सकते कोई रिएक्शन नहीं है, ये एज इट इज़ जैसा था वैसा ही है। इस पर कोई ब्लैक लेयर या कुछ भी नहीं आया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट तो यहाँ पे यही लग रहा है कि बेबी गर्ल होने वाली है। सो थ्री मंथ बाद पता चल जाएगा कि गर्ल है या बॉय है। सो लेट्स वेट फॉर इट और मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।